रहा हूं, आज इस पावन दिन पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और आज हम सब मिलके गाजियाबाद से आजादी का बिगुल बजाने वाले हैं। मैं जगदीश कबीरा पलवल हरियाणा से आया हूं आपके बीच में आपका स्वागत करने के लिए। और आज बहुत सारे चीफ गेस्ट हैं, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं, कोर लीडर्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं एक बार चाहता हूं सभी लोग अपने हाथ अपने खड़े करने के लिए जोरदार ताली बजाने से। 2013 से जीरो से काम चालू किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं आज स्टार अमराल अचीवर हूं आरसीएम बिजनेस में। जिंदगी बदल दी साहब आरसीएम बिजनेस ने जिंदगी, और आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने का दिन है। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले हम भी किसी ऐसे प्रोग्राम में आए थे। क्या आप जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? Yes! आपका जोश बताएगा कि आप तैयार कितने हो। सर एक बार जोरदार ताली बजा दे जो अब तक हम नहीं बजा पाए, जोरदार ताली। मैं बुलाने जा रहा हूं आरसीएम से पहले मोबाइल के दुकानदार, और अब आरसीएम में आने के बाद रूबी अचीवर ऑफ आरसीएम बिजनेस आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी को आपके बीच में। यस, जोरदार ताली, रूबी अचीवर वाली ताली हो जाए। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है। कितनों को प्राउड फील होता है हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं? Yes. होता है? Yes. तो एक बार उस देश के सम्मान में एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जिसके ठीक ठाक हो जोरदार ताली बजाइए। जोरदार, जितना गर्व होता है उतनी तालियां चाहिए, उतनी तेज हूटिंग चाहिए। भारत माता की। आज लगना चाहिए कि हम विजेता दिवस और स्वतंत्रता दिवस और आर्थिक आजादी दिवस इकट्ठे मना रहे हैं तीनों ही। यस नो? यस। तो मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं पलवल हरियाणा से आपके बीच हूँ, आरसीएम में रूबी अचीवर। आरसीएम से पहले जगदीश जी ने बताया मोबाइल की शॉप, और आज विधिवत रूप से इसको शुरू करना है प्रोग्राम को। क्या आप तैयार हैं? यस। पक्का तैयार हैं? यस। ये तीन चार ही तैयार हैं, सबको करवा लूंगा मैं तैयार, देख लेना अभी थोड़ी देर में। तैयार हैं? तो हम जान लें कहां कहां से लोग आए हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने, विजेता दिवस मनाने। जान लें क्या? जान लें? लोकल गाजियाबाद से कितने एक बार हाथ खड़ा करें, और बाकी क्या करना होता है दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजानी होती है। एक बार जोरदार सम्मान कर दीजिए। ये लोकल हीरो हैं गाजियाबाद से, जिन्होंने हिम्मत की है इस प्रोग्राम में आने की और इस मुहिम में शामिल होने की। यस हेलो। उत्तर प्रदेश से कितने हैं भाई सर? कहां गए? मैं बताने वाला था तो सारा ही उत्तर प्रदेश ले गया। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जनसंघ को टक्कर देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश कुछ भी कर सकता है। हाँ या ना? yes! हरियाणा से कितने? हरियाणा से, हरियाणा वैसे भी छोटा है, इतनी बहुत है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हरियाणा वालों के लिए। उत्तर प्रदेश वाले हरियाणा वालों के लिए ढंग से तालियां बजाओ, इतनी चलेगी बात। बिहार से कितने? बिहार से, क्या बात है, बिहार की संख्या भी जबरदस्त है। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार वेलकम कर दीजिए एक बार। पीछे वाले भूल गए तालियां बजाना, एक बार दोनों हाथ अगर सही सलामत ऊपर वाले ने दिए हैं। हेलो। बंगाल से भी होंगे, वेस्ट बंगाल, क्या बात है, जोरदार तालियां। बंगाल टाइगर अकेले बहुत है, जोरदार। पूरे दिन ताली बजानी है, अभी से थकी थकी बज रही है तुम्हारी, ढंग से बजाओ एक बार ऊपर करके जोरदार। दिल्ली से कितने हैं? देश की राजधानी दिल्ली,
वाओ, एक बार शानदार वेलकम कर दीजिए दिल्ली वालों का। यस, जम्मू कश्मीर से भी है कुछ? अच्छा वो नहीं बुलाए, ओके। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी वाले भी हैं, इनके बगैर कैसे बात करेंगे। इनका जोरदार ताली। और एक बार पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान से कितने लोग हैं, भारत से कितने लोग हैं, जो हाथ ना उठाए उसका फोटो खींच लेना आज। एक बार हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए एक बार जोरदार ताली दे। जोरदार वाली ताली। यहां ध्यान रखें सर एक बार ना, म्यूजिक का प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करते हैं सर। मैं बुलाने जा रहा हूं ऑल रॉयल्टी अचीवर्स। रॉयल्टी अचीवर कौन होते हैं? जिन्होंने ठान लिया है कि पीढ़ियों के लिए काम करना है, कि एक बार काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे आने वाली जनरेशन को लगातार पैसा आता रहेगा। ऐसे रॉयल्टी अचीवरों को मैं बुलाने जा रहा हूं स्टेज पे। है हमारे बीच? एक बार खड़े हो जाए, दौड़ के आ जाए, और जो जितनी तेज दौड़ेगा उसकी टेक्निकल की फील। एक दूसरे को धक्का मुक्का मत करना, ऐसी फील नहीं चाहिए धक्का मुक्के वाली। दौड़ क्या है? और उधर से म्यूजिक बजेगा और इधर से डांस करते हुए आएंगे। ये रॉयल्टी अचीवरों को डांस किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता, वो ही नाचेंगे जिनको नहीं आता। आपको खुशी जाहिर करनी है कि हम नेक्स्ट टेक्निकल अचीवर बनने जा रहे हैं। उधर से म्यूजिक बजेगा, इधर से आप खुशी जाहिर करेंगे। म्यूजिक वॉल्यूम उधर दिखता नहीं है क्या? आधे इधर जाएं, आधे इधर आए, स्क्रीन छोड़ दें, आधे मेरे पीछे मत आ जाना, नहीं कूद जाएंगे हम, उधर चले आधे। ये स्क्रीन छोड़ देना सर, आगे पीछे हो सकते हैं, स्क्रीन छोड़ दीजिए। स्क्रीन बहुत दूर है सर, दिल्ली दूर है, इधर आए, आधे आधे आगे पीछे हो जाएं सर। और उधर से नेशनल एंथम चलेगा, उसकी तैयारी करें आप, बिल्कुल स्टेट खड़े हो जाएं, वीडियो बन रही है आपकी, स्क्रीन अभी भी आगे आ जाओ आप, आगे आ जाओ। और राष्ट्रगान के लिए सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, पैर सीधे कर लें अपने, मोबाइल रख लें सर, राष्ट्रगान बिल्कुल स्टेट खड़ा होना होता है। गाने जा रहा हूं, सभी महिलाएं मातृशक्ति आज है हमारे बीच,
हैं कुछ? कुछ कुछ हैं, बहुत कुछ हैं। अच्छा इधर वाली हाथ नहीं उठा रही, एक बार खड़े हो आप, पता चले कितने हैं। और एक बार जोरदार तालियां सीटियां वोटिंग से वेलकम कीजिए प्लीज सभी महिलाएं स्टेज पे आ जाइए एक बार। थैंक यू। 15 अगस्त को अगर ये यहां है तो इसका मतलब महिलाओं ने ठान लिया है कि हम भी इस आर्थिक आजादी के अभियान में हेलो बराबर का दम रखते हैं। यस नो? इनमें जो आरसीएम की साड़ी में है वो आगे आ जाएं और एक रो बना लें, ज्यादा लंबी सिद्धि बनानी रो, बिल्कुल सिद्धि। आरसीएम की साड़ी आगे रहेगी, बाकी सब पीछे पीछे। आइए आइए, बाकियों को लग रहा होगा काश मैं पहन आती तो मेरा भी फोटो होता। और अब हम प्राणगीत शुरू करेंगे। प्राणगीत मतलब आरसीएम के जिसमें प्राण बसते हैं। है क्या आरसीएम, क्या चाहता है आरसीएम? यस नो? प्लीज सभी मातृशक्ति धीरे धीरे उतरें और सीट तक जाएं और आप ताली बजाएं, म्यूजिक बजाएं और बाकी महिलाएं अगली बार आरसीएम की साड़ी में आएं। एक माहौल बनाना है सर।